एवरीवन, आप सबका स्वागत है हाई फाउंडेशन के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे पर्सनल मास्टरी की, क्यों पर्सनल मास्टरी जरूरी है प्रोफेशनल मास्टरी के लिए और पर्सनल मास्टरी कैसे अचीव करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं, चाहे वह सक्सेस पर्सनल लाइफ की हो या प्रोफेशनल लाइफ की। आप चाहे जैसा भी सक्सेस अचीव करना चाहते हो, सारे सक्सेस की शुरुआत तब होती है जब आप खुद पर काम करना शुरू कर देते हो। अगर आपको बड़ा सक्सेस अचीव करना है या कुछ बड़ा करना है तो आपको पर्सनल मास्टरी पे काम करना ही होगा और पर्सनल मास्टरी अचीव करना ही होगा। फ्रेंड्स, दुनिया के सभी सक्सेसफुल पर्सन यह बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पर्सनल मास्टरी ने ना केवल उन्हें सक्सेसफुल बनाया है बल्कि उनकी सक्सेस बनाए रखने में भी बहुत हेल्प की है। और आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूं जो हर सक्सेस या उनसे अच्छा करना है तो आपको भी यह सारी बातें डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना होगा। स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स और कंपटीशन के इस वर्ल्ड में जिसने पर्सनल मास्टरी अचीव कर ली उससे सक्सेस ज़्यादा दूर नहीं है। एक एंटरप्रेन्योर एवरेज पर्सन से बहुत अलग होता है। अगर आपको एक एवरेज या एक्स्ट्राऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है तो इन सारी बातों को डिसिप्लिन एंड पेशेंस के साथ फॉलो करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेकअप अर्ली। दुनिया का हर सक्सेसफुल पर्सन आमतौर पर सुबह 4 से 5 बजे उठ जाता है और यही वो टाइम होता है जब हर सक्सेसफुल पर्सन अपने आप पे काम करता है और खुद को अपने आने वाले दिन के लिए तैयार करता है। एवरेज पर्सन को इस बात से बहुत नफरत होती है। अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो यकीन मानिए सुबह का यही वो वक्त है जहां आप शांति से खुद को अपने आने वाले दिन के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर अब भी आपको वेकअप अर्ली से नफरत है तो कोई बात नहीं, मेरी आगे आने वाली बातों को फॉलो करें क्योंकि मेरा मेन पर्पस सुबह को बेहतर कैसे बनाए यह है, ना कि सुबह जल्दी उठना। लेकिन फिर भी सुबह जल्दी उठने की पूरी कोशिश करें। सेकंड, प्रैक्टिस साइलेंस। एक एवरेज पर्सन के दिन की शुरुआत उठते ही मेल्स, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस या पूरे दिन के काम के बारे में सोचने से होता है, जबकि एक सक्सेसफुल पर्सन, एक एंटरप्रेन्योर, इसका जस्ट ऑपोजिट करता है। वे उठते ही साइलेंट मोड पे जाता है। साइलेंट मोड पे जाने से मतलब है वे मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, प्रेयर एक्सेट्रा जैसी चीज़ें करते हैं ताकि वे अपने माइंड को फोकस्ड एंड रिलैक्स्ड कर सके, ताकि पीक परफॉर्मेंस दे सके। दुनिया का हर एंटरप्रेन्योर, ऑथर, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, सिंगर, आर्टिस्ट एक्सेट्रा सब मेडिटेशन को ही प्रायोरिटी देते हैं और मैं भी मेडिटेशन ही सजेस्ट करूँगा। मेडिटेशन आपको मेंटली फिट रखता है। थर्ड, फिजिकल एक्सरसाइज। आपका बॉडी और माइंड दोनों आपस में कनेक्टेड है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो तो मेंटली भी फिट नहीं हो सकते। फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है ताकि आप मेंटली फिट रह सकें और पैशनेटली अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकें, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाके देख सकें क्या हो रहा है और लोगों से जाके मीटिंग्स कर सके। स्पेशली अगर आप एक स्टार्टअप हो तो आपको बार बार अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और लोगों से मीट करने के लिए जाना ही होगा। फिजिकल एक्सरसाइजेज में आप रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, एरोबिक्स, जिम वर्कआउट एक्सेट्रा जैसी चीज़ें कर सकते हैं, जरूरत होती है। रीडिंग एंड लर्निंग। आज के वर्ल्ड में यह डिसाइड करता है कि आप कितने सक्सेसफुल होंगे या किस लेवल का सक्सेस अचीव करेंगे। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के वन ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, वह हर दिन 5 घंटे से ज़्यादा रीड करते हैं। बिल गेट्स एक हफ्ते में एक बुक फिनिश कर देते हैं और मोर देन 50 बुक्स 1 ईयर में। रीडिंग करने के बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे यह आपका फोकस करने की एबिलिटी इम्प्रूव करता है, आपकी नॉलेज इंक्रीज करता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है एक्सेट्रा। और सुबह रीडिंग करने से मतलब यह है कि कुछ ऐसी बुक पढ़े जो आपको इंस्पिरेशन या मोटिवेशन दे, ना कि वो बुक्स पढ़े जो आपके माइंड्स को ब्लॉक करते हैं।
आप बायोग्राफीज, पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प एक्सेट्रा जैसी बुक्स पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट बुक थिंक एंड ग्रो रिच है। फिफ्थ, ईट हेल्दी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका बॉडी और माइंड कनेक्टेड है। अगर आप ऑयली या फैटी खाते हो तो लेजी फील करने लगते हो। आप अगर लेजी फील करने लगोगे तो पीक परफॉर्मेंस या कुछ एक्स्ट्रा कैसे कर पाओगे? आपने सुबह बहुत मेहनत की अपने आने वाले दिन को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन अगर आप अनहेल्दी खाते हो तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हेल्दी आपको सुबह ही नहीं बल्कि लंच और डिनर में भी खाना होगा, ताकि आप पूरे दिन एनर्जाइज्ड रह सको। फ्रेंड्स, अगर आपको स्टार्टअप और कंपटीशन के इस वर्ल्ड में सक्सेसफुल होना है तो इन बातों को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना होगा। यह सारी चीज़ स्टार्टिंग में अनबियरेबल होगा, क्योंकि हैबिट्स चेंज करना या बिल्ड करना बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। डिसिप्लिन रहिए और पेशेंस रखिए, क्योंकि